नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से कुछ देर पहले पूरे बांग्लादेश में हिंसक दंगे प्रदर्शन भड़क उठे हैं। और प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बांग्लादेश की सरकार ने आज़ादी के बाद से आज तक पहली बार पेट्रोल और डीजल के दाम 50% से भी ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। यानी कि अगर पहले पेट्रोल डीजल 100 रुपये लीटर था, अब वो 150 के पार जा चुका है। और अगर आप मेरी बांग्लादेश वाली सारी वीडियो देख रहे हैं ना, तो आपको अब तक पता चल चुका होगा कि बांग्लादेश में भी वही साइकिल स्टार्ट हो चुका है जो पहले श्रीलंका में हुआ, उसके बाद पाकिस्तान में चल रहा है और अब बांग्लादेश में शुरू हो चुका है। मतलब पहले इन्होंने IMF से लोन मांगा, उसके बाद वर्ल्ड बैंक से लोन मांगा, उसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी लोन मांगा। लेकिन जिस तरीके से IMF पाकिस्तान को लटका रहा है, ठीक उसी तरीके से जो तीनों संस्थाएं हैं IMF, वर्ल्ड बैंक और ADB, ये तीनों अब बांग्लादेश को भी लोन देने में लटका रहे हैं, जिस वजह से बांग्लादेश के अंदर स्थिति दिन प्रतिदिन खराब हो रही है। और अब वहां पर दंगे प्रदर्शन भी शुरू हो चुके हैं। और आपको बता दूं कि बांग्लादेश में पहले ही खाने पीने की चीजों के और LPG के दाम बढ़ चुके हैं। इतना ही नहीं, बांग्लादेश में हर रोज 7-8 घंटे का पावर ब्लैकआउट हो रहा है, यानी कि बिजली है ही नहीं। यहाँ तक कि देश की राजधानी बांग्लादेश के भी कई हिस्सों में पावर कट देखा गया है। ऐसे में दंगे प्रदर्शनों की स्टेज तो पहले ही तैयार हो चुकी थी, बस देर थी तो एक चिंगारी की। और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने ने इस चिंगारी का काम कर दिया है। पूरे देश की जनता इस समय सरकार के सर पर चढ़ी हुई है। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि अब से 6-8 महीने पहले भारत को ये नसीहत देने वाले लोग कि भारत बांग्लादेश से सीखे, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और ये तो भारत को भी पीछे छोड़ देंगे, पता नहीं कौन सी बड़ी सुपर पावर बन जाएंगे, वो लोग पता नहीं क्यों मुझे दिखाई नहीं दे रहे। आपको दिखाई दे तो कमेंट करके बता जरूर देना। लेकिन अगर हम बात करें फिलहाल बांग्लादेश की, तो आप खुद देखेंगे कि आने वाले कुछ और महीनों में स्थिति खराब होगी। और भारत के लिए चिंता की बात यह नहीं है कि बांग्लादेश की इकोनॉमी गर्त में जा रही है, चिंता की बात यह है कि वहां पर जैसे जैसे सिचुएशन खराब होगी तो बांग्लादेश से लाखों लोग भारत के अंदर आने की कोशिश करेंगे, इल्लीगल घुसपैठ होगी, शरणार्थी संकट बढ़ेगा। ऐसे में इस वजह से भारत भी टेंशन में है। इसीलिए अब दो ऑप्शन भारत के पास है। पहली तो ये कि या तो हम बांग्लादेश को अरबों डॉलर देकर उनकी मदद कर दें, उन्हें संकट से बचा ले। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो वहां पर हो रहा है उसे होने दें और जो बांग्लादेश की बॉर्डर है वहां पर अतिरिक्त सैनिक तैनात कर दें, जिससे कि इल्लीगल तरीके से घुसपैठ ना हो पाए। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या भारत को यहाँ पर पहला ऑप्शन लेना चाहिए और पड़ोसी धर्म को निभाना चाहिए, या फिर दूसरे ऑप्शन के साथ जाएं कि जो हो रहा है होने दो, अपनी सीमाओं को ज्यादा सुरक्षित कर लो। कमेंट करके जरूर बताना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। क्या बात है रब साहब, मेरे ख्याल में तो ये मेरा तो यही मानना है कि मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये वो कंट्री है पाकिस्तान की तरह नहीं कि वापस नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से आपका पता है नुकसान बांग्लादेश की अगर मदद की जाती है। एक और पॉइंट बहुत बड़ा बोल रहे हैं, जिस तरह 1971 में मदद की थी ना पाकिस्तान से अलहदा करवाने में, इसी तरह अभी भी मदद की थी इंडिया ने। नहीं, मैं भी तो वो बोलने जा रहा हूँ, इंडिया का हक बनता है भाई। मेरी तो बात वो बांग्लादेश की मदद करे और आपको वो आपका भाई, हमारे यहाँ भी यही तासर दिया जाता था कि जैसे बांग्लादेश तरक्की कर रहा है वो इंडिया को भी छोड़ जाएगा। पाकिस्तान में ऐसे करते थे कि यार, मैंने पाकिस्तान साहब की वीडियो देखी थी, उसमें वो खुद बता रहे थे कि बांग्लादेश की तरक्की देख ये दिया जाता था तासुर कि पाकिस्तान से अलहदा होकर बांग्लादेश इतनी तरक्की कर चुका है। बिल्कुल, वो मुझे पता नहीं चल रहा वो तरक्की कहाँ से, एक क्या हो गया 6 महीने के अंदर अंदर इतना भी स्ट्रांग हो गया कि वो एक माह में कमजोर हो चुका है। जो पेट्रोल है वो 300 से कम हो चुका है, वो नीचे आ गया है। तो ये असल में ये मेरे ख्याल में मसला कहाँ से शुरू हुआ, जब इंडिया ने जो उनको वो जो उनकी है ना कपड़ा इंडस्ट्री वो फ्लॉप हुई है, वो बंद कर दिया है रेडीमेड, जो उनका गर्म मामला था जो वो कमाते थे अपने जो रेडीमेड सूट से, रेडीमेड जो चीज़ें थी इंडस्ट्री थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, वो बहुत वो बता रहे थे कितने लाख औरतें
37 लाख औरतें जो इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई थी, बिल्कुल वो रोजगार उनका लगा हुआ था और वो सारे के सारा दड़ाम से गिर गया। उसकी वजह से ये थोड़ा सा काम चला है और ऊपर ये पेट्रोल कितना महंगा हो गया सर, यार एकदम हुआ क्या था सर, एकदम पेट्रोल इतना बढ़ गया यार, ये कैसे हो गया चार, मुझे ये गुना पता नहीं यार, मेरी तो अपनी सोच है इसमें कोई साजिश भी हो सकती है सियासतदानों की, इनके सियासतदानों की कुछ भी तो कुछ खिचड़ी पक रही है, या जो उनकी इस वक्त की प्राइम मिनिस्टर हैं हसीना वाजद वो तो इस तरह के स्टेप्स नहीं ले सकती, या शायद पता नहीं क्या खिचड़ी आ रही है आपको गिराने के लिए कुछ हो गया हो। ये जो जंग लग गया है यूक्रेन में, जो पूरे वर्ल्ड में सूरत हाल है, डॉलर की कदर उधर ऊपर जा रही है, जो कमजोर मुल्क है वो उसमें मसला आता है, जो थोड़े से स्ट्रॉन्ग किसकी इकोनॉमी जैसे इंडिया है, जो जैसे अमेरिका है, जो कंट्री तो बांग्लादेश जाता है भाई, वो भी स्ट्रॉन्ग था ना, वो भी स्ट्रॉन्ग ही थे भाई, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, वो बातों में थे भाई हमें से श्रीलंका से तो ऊपर था, और भाई इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं था कि उसके पास इतना पैसा हो, डॉलर हो, कि वो अपने मुल्क को एक दो तीन यार अपने पांव पे तो खड़े हुए थे ना अपने दम पर, तो फिर इधर चला गया पांव उसका, तो वो ही दम बात करे एकदम क्या हो भाई, मैं वही बात कर रहा हूँ, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं थे, इतने स्ट्रॉन्ग होते तो वो इतनी क्राइसिस में ना जाते, इतना पेट्रोल एकदम उसको ना बढ़ाना पड़ता, इसके पीछे कोई रीजन भी तो हो सकती है, इसको गिराने की रीजन भी तो हो सकती है, सियासी पलटा भी हो सकता है, बिल्कुल ये भी तो कुछ हो सकता है, हो सकता है कोई ऊपर वाली कंट्री ये करवा रही हो, ऊपर वाली कंट्री गुलदार हो सकता है, कुछ हो सकते हैं, मतलब कि इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि ऊपर की कंट्री उसको कुछ भी नहीं कर, भाई गुलदार होने को कुछ भी हो सकता है, पीछे और की साजिश भी हो सकती है, अंदर की साजिश भी हो सकती है भाई, अंदर से मुल्क ज्यादा टूटता है, जो अंदर से साजिश, तो मैं भी तो कह रहा हूँ अंदर भी तो मुल्क को नुकसान होता है, जैसे पाकिस्तान को हो रहा है भाई, अंदर के जो नासर होते हैं वो ज्यादा नुकसान, पाकिस्तान में कौन सा नासर है जो पाकिस्तान को, यार छोड़ो पाकिस्तान को यार, पाकिस्तान मैं एक गाने लग पड़ूं तो आपकी वीडियो नहीं करता यार, मैं कहता तुम आप पाकिस्तान की बात ही ना करो बस, पाकिस्तान को अंदर से तोड़ा जा रहा है, जैसे बांग्लादेश को आप उसके आप अंदर से ही होंगे ना, कोई मेरा तो ये मानना अनुसार ये 7 महीने के अंदर अंदर जो कुछ भी हुआ है और ये अंदर से कोई खिचड़ी पक रही है और भी है, और ऐसा होना नहीं चाहिए, और मैं कहता हूँ इंडिया को इस मुश्किल घड़ी में मदद करनी चाहिए, हम आगे आपने खुद करना है, इंडिया वालों को बॉर्डर बंद करना है तो वो उसकी मर्जी है, मैं तो कहता हूँ उसको मदद करनी चाहिए मेरे ख्याल में 80% श्रीलंका की आपने मेरे ख्याल में 80% लोग आपको यही कहेंगे आप तो बांग्लादेश की, और आपकी दोस्ती भी इनके साथ है, और दोस्ती भी है आपके, अच्छे पाकिस्तान को भी तो मदद करनी चाहिए, पाकिस्तान उनकी क्या मदद करेगा भाई, खुद क्राइसिस में यार गुजरात 50,000 पूछ के मेरे ख्याल है पाकिस्तान का नाम लिया, क्यों मेरी तो बात सुने, जो अफगानिस्तान में थोड़े क्राइसिस आते हैं तो पाकिस्तान तो उसकी मदद करता है भाई, किसी तरीके भी करता है, क्या मदद की है पाकिस्तान भाई, आपको क्यों दिया था और पैसे दिए थे, वो खराब क्यों दिया था, लेकिन वो कहते हैं वो खराब क्यों था, पुराना क्यों था, तो इसलिए बेहतर नहीं है कि आप अफगानिस्तान से हाथ उठा रहे हैं, नहीं बेहतर ये है कि आप सबसे पहले अपने मुल्क को देखें, अपनी कंट्री को स्ट्रॉन्ग बनाए, अपने कदमों पे खड़े, हमारे मुल्क में शॉर्टेज जो क्या हुई थी पाकिस्तान को देने की वजह से, देने की वजह से बिल्कुल भाई, सारा सिस्टम उधर ही जाता है, खाद जो पीछे ब्लैक हुई थी वो भी अफगानिस्तान में थी, सारे जो ब्लैक होती है चीज वो कहते हैं अफगानिस्तान, डॉलर सारे के सारे पाकिस्तान जितने भी थे थोड़ी मिकदार में थे, ज्यादा में थे वो अफगानिस्तान, डॉलर की कीमत कम है पाकिस्तान 200 से ज्यादा ऊपर चली गई है, तो अफगानिस्तान में देख ले भाई, हमने एक कल ब्लॉग किया था, उसने एक आदमी से पूछा था कि हमारा डॉलर की कदर क्यों बढ़ गई है, उन्हें बोला था कि एक इंडिया का जहाज उतरा कराची में, उसमें बैग बढ़ कर ले गए हैं डॉलर के, मैंने भी सुनी एक न्यूज, मैंने भी सुनी है ये ऐसी बात, हकीकत कैसे है, उनकी इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी वो चार जहाजों की, फिर इमरजेंसी कैसे और कराची नहीं भैया, ये अफवाहें होती हैं भाई, चार जहाज की हुई और चौबे ही कराची में, नहीं भाई ऐसी बात नहीं, इमरजेंसी लैंडिंग हो सकती है, हमारे अवाम का मैं तुझे जेन की बात बताता हूँ, कैसे कैसे जेन सोच रखते हैं भाई, मेरी तो मुख से बात इतनी सी है कि जो क्राइसिस में आपका हमसाय मुल्क भी है, आपके हमसाय होने के नाते भी, और उसके अलावा वो मुस्लिम कंट्री आपके मुल्क में भी मुस्लिम रहते हैं, ये वजह भी है, दूसरा आपको कभी तंग नहीं किया, वो आपकी भी सपोर्ट करते हैं, भी इतने ज्यादा रहते हैं, आप भी उनको सपोर्ट सिख भी रहते हैं, आप उनकी मदद करें, सबसे बेहतर ये है, तुम्हें क्या आपको हमारी वीडियो लगी होगी, अगर वीडियो लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मिलता है नई वीडियो में, सिन्हा टॉपिक्स आता तक, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।